चाणक्य समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है अलीगढ़ आंदोलन। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, अलीगढ़ आंदोलन क्या है, सर सैयद अहमद खान की इसमें क्या भूमिका है और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में बात करेंगे। इसके बाद सर सैयद अहमद खान के कार्य एवं उनकी कृतियों के बारे में बात करेंगे। यह चर्चा में क्यों है। प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक मिनी इंडिया है। अलीगढ़ में जो विविधता दिखती है वह कैंपस की शक्ति तो है ही, पूरे भारत की भी ताकत है। उन्होंने पूरी दुनिया में फैले हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पुरातन छात्रों से अपनी मुलाकात का जिक्र किया और बताया कि उन लोगों से बातचीत के बाद अलीगढ़ के गौरव का अनुभव करना बहुत ही अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अलीगढ़ का योगदान देश की और समाज की हर मुहिम में आगे रहता रहा है। भारत में हर व्यक्ति को अवसर मिलेगा और जो लोग धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम करते हैं वह सही नहीं है। देश जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसमें हर नागरिक को उसके संवैधानिक अधिकारों और उसके भविष्य को सुरक्षित रखा जाएगा। अब बात करेंगे अलीगढ़ आंदोलन के बारे में। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत अलीगढ़ से हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इस आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। यह 1857 के विद्रोह के असफलता के बाद मुसलमानों में धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से चलाया गया था। मुस्लिमों के बीच शिक्षा के प्रसार और सामाजिक सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन सर सैयद अहमद खान द्वारा प्रारंभ किया गया। सर सैयद अहमद खान और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से संबद्ध मुस्लिम जागरण आंदोलन को अलीगढ़ आंदोलन का नाम दिया गया। सर सैयद अहमद खान कौन थे। सर सैयद का जन्म 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुआ था। सर सैयद शिक्षाविद, समाज सुधारक, पत्रकार और इतिहासकार होने के अलावा राष्ट्र निर्माण के काम को आगे बढ़ाने वाली कई संस्थाओं के संस्थापक भी रहे हैं। उन्होंने अपने लेखन के जरिए अपनी इस सोच को आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश में भी कई जगह उन्होंने बहुत सी संस्थाओं की शुरुआत की। सही मायने में उनका आधुनिक भारत के निर्माण में अहम योगदान रहा है। उनका सबसे बड़ा योगदान 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों का विरोध किया। उनके द्वारा हिंदू व मुस्लिमों की एकता पर बल दिया गया। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार बहुत से सामाजिक पूर्वाग्रहों को समाप्त करने की वकालत की। उन्होंने न्यायिक अधिकारी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवाएं भी प्रदान की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 9 फरवरी 1873 को सर सैयद अहमद खान ने एक कमेटी बनाई, जिसमें तमाम रिसर्च कर 24 मई 1975 को एक मदरसा बनाने का ऐलान किया गया। दो साल बाद 8 जनवरी 1877 को अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज शुरू किया गया। 1920 में यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। 1921 में भारतीय संसद के एक अधिनियम के माध्यम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। समय के साथ यह भारतीय मुस्लिमों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान बन गया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश राज के समय बनाया गया यह पहला उच्च शिक्षण संस्थान था। यह मानविकी व विज्ञान के विषयों से संबंधित शिक्षा को पूरी तरह से अंग्रेजी माध्यम में प्रदान करता था और इसके कई अध्यापक इंग्लैंड से भी आए थे। कॉलेज को देश भर में प्रमुख मुस्लिमों से समर्थन प्राप्त हुआ और ब्रिटिशों ने भी इस कॉलेज के विकास में हर तरह से अपनी रुचि प्रदर्शित की। इस विश्वविद्यालय के संग्रहालय में भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा व लाइब्रेरी में कुरान के साथ ही गीता की प्राचीन पांडुलिपियां रखी हैं। साथ ही लाइब्रेरी में महावीर जूल स्तूप और
आदिनाथ की प्रतिमाएं, कंक्रीट के सूर्यदेव की प्रतिमा भी मौजूद है। सर सैयद अहमद खान के प्रमुख कार्य क्या थे एवं उनकी प्रमुख कृतियां कौन सी थी? अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अतिरिक्त सर सैयद अहमद खान ने 1858 में मुरादाबाद में आधुनिक मदरसे की स्थापना की। 1863 में गाजीपुर में भी एक आधुनिक स्कूल की स्थापना की गई। उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसने कई शैक्षिक पुस्तकों का अनुवाद प्रकाशित किया। उर्दू तथा अंग्रेजी में भी द्विभाषी पत्रिका निकाली गई। उन्हें 1867 में बनारस में स्थानांतरित कर दिया गया। लगभग इसी दौरान मुसलमानों द्वारा पोषित भाषा उर्दू के स्थान पर हिंदी को लाने का आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन तथा साइंटिफिक सोसाइटी के प्रकाशनों में उर्दू के स्थान पर हिंदी लाने के प्रयासों से सैयद को विश्वास हो गया कि हिंदुओं और मुसलमानों के रास्तों को अलग होना ही है। उन्होंने पत्रिका तहदीब अल अखलाक का प्रकाशन प्रारंभ किया। उन्होंने 1886 में ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का गठन किया, जिसके वार्षिक सम्मेलन मुसलमानों में शिक्षा को बढ़ावा देने तथा उन्हें एक साझा मंच उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जाते थे। इनकी प्रमुख कृतियों में अतहर, अस्नादीद, पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन पर लेख और बाइबल तथा कुरान पर उर्दू भाषा में टिकाए सम्मिलित हैं। असबाबे बगावते हिंद, आसारूस नादीद इनकी प्रमुख कृतियों में शामिल है। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प सी। आज के वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।